गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जलेश्वर यादव, योर कंप्यूटर टीचर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर टू के फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के चैप्टर को क्लियर करेंगे, जो है क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी। Computers can be classified according to their capacity. Computers' capacity is currently measured by number of application that it can run, rather than by the volume of data it can process. आज की डेट में कंप्यूटर को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आंका जाता है, और आज कंप्यूटर में ये देखते हैं कि वो कितनी एप्लीकेशन को एक साथ रन कर सकता है और कितने डेटा ऑफ वॉल्यूम को प्रोसेस कर सकता है कम समय में। दिस क्लासिफिकेशन इज डन एज फॉलोज। ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म, छोटा। माइक्रो कंप्यूटर्स हैज़ द लोएस्ट लेवल कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी होती है सबसे कम होती है। द माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टोर्ड प्रोग्राम दैट यूज्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। जो कंट्रोल होता है पहले से प्रोग्राम किए हुए माइक्रो प्रोसेसर पर, जो कि इसके रोम में और रैम में पहले से ही लोड किए रहते हैं। मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर जैसा कि नाम से लग रहा है, मिनी मतलब छोटा। मिनी कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटीज देन माइक्रो कंप्यूटर्स। नाम में तो लग रहा है ये छोटा है, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, और इसकी स्टोरेज करने की कैपेसिटी और स्पीड ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एक्सपेंडेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूज़र। इस टाइप के कंप्यूटर यूज़र की नीड के हिसाब से इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है मीडियम साइज कंप्यूटर। मीडियम जो बहुत ज़्यादा ना छोटा है ना बड़ा है। मीडियम साइज कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटीज़। ये जो कंप्यूटर होते हैं इनकी स्पीड ऊपर के दोनों जो कंप्यूटर्स हैं उससे भी ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होती है और इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी इनसे ज़्यादा होती है। दे कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं, जो कि ऊपर के दो कंप्यूटर्स नहीं कर पाते। अ मीडियम साइज कंप्यूटर कैन सपोर्ट अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी देयरफॉर सर्व द नीड ऑफ लार्ज बैंक। इनका यूज़ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, यूनिवर्सिटीज़, इन सब जगहों पर होता है। दे यूजुअली हैव मेमोरी साइज रनिंग। इनकी जो मेमोरी की साइज़ होती है 22K से लेकर 512K बाइट्स तक होती है, और इसके एग्जांपल्स हैं IBM सिस्टम 370, बर्फ्स 3500 सिस्टम एंड NCR सेंचुरी 200 सिस्टम आर द एग्जांपल ऑफ मीडियम साइज कंप्यूटर्स। लार्ज साइज कंप्यूटर्स, लार्ज साइज कंप्यूटर्स यूजुअली कंटेन फुल कंट्रोल सिस्टम विद मिनिमम ऑपरेटर इंटरवेंशन। लार्ज जैसा कि नाम से लग रहा है ये बड़े हैं, और लार्ज कंप्यूटर्स रेंज फ्रॉम सिंगल प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड नेशन वाइड कंप्यूटर्स बेस्ड नेटवर्क। ये जो नेटवर्क्स हैं ये नेशन वाइड यानी कि बड़ी एरिया में ये सपोर्ट करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन टुडे एंड दे आर यूज्ड व्हेन बिलियंस ऑफ और ट्रिलियंस कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड।
जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है तब सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बिगेस्ट, सबसे बड़े और फास्टेस्ट होते हैं। दीज मशीन्स आर अप्लाइड इन न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट। इनका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु वेपन्स बनाने में, उनको डेवलप करने में, एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी लेने में, एंड एज होस्ट प्रोसेस फॉर लोकल कंप्यूटर्स एंड टाइम शेयरिंग नेटवर्क, और लोकल कंप्यूटर्स को सपोर्ट करने में होती है। सुपर कंप्यूटर्स हैव कैपेबिलिटीज़ फॉर बियॉन्ड इवन देन द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम। देयर स्पीड रेंज फ्रॉम 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इनकी जो स्पीड रेंज होती है 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये कैरी कर सकते हैं टू वेल ओवर 3 बिलियंस। 100 मिलियन से 3 बिलियंस तक ये इंफॉर्मेशन को एक सेकेंड में पास करते हैं। एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर क्राई 2, क्रे, XMP24 एंड NCE 500। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बाय देयर बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो अभी हमने ऊपर जो देखा, कंप्यूटर की साइज़, उसका स्टोरेज की कैपेसिटी, उसके हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन था। अब जो हम बात करेंगे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बियॉन्ड बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कंप्यूटर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। यूजिंग अ क्लासिफिकेशन टेक्निक, कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड सिस्टम। टेक्निक के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड सिस्टम। दे आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। पहला है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वर वेल नोन इन 1940s, ऑल्दो दे आर नाउ अनकॉमन। ये 1940s के दौरान, 1940 के दशक में बहुत फेमस थे, लेकिन आज की डेट में ये अनकॉमन है, लेकिन इनका यूज़ उतना नहीं होता। इन सच कंप्यूटर्स नंबर्स टू बी यूज्ड इन सम कैलकुलेशन। इन कंप्यूटर्स में नंबर्स का यूज़ होता है कैलकुलेशन करने के लिए। वर रिप्रेजेंट बाय फिजिकल क्वांटिटीज सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द पेंगविन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर्स 1970। वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, हाइट, वेथ, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से विज्ञान तथा इंजीनियर्स के क्षेत्र में किया जाता है, तथा घर तथा ऑफिस के कार्यों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये कंप्यूटर शुद्ध रूप से नहीं होते और इनमें डेटा स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है। एनालॉग कंप्यूटर को हम अनुरूप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, कंटिन्यूस डेटा देने वाला। एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जिनके विभिन्न भौतिक राशियों, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, हाइट आदि, जो लगातार चेंज होती रहती है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हेल्प से इलेक्ट्रिक संकेतों में परिवर्तित कर देता है। इस कंप्यूटर में कोई मेमोरी नहीं होती, यानी ये कंप्यूटर हमारे पहले वाले डेटा को स्टोर या सेव नहीं रखते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में जब भी इनपुट सिग्नल बदलता है तो आउटपुट भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, डिजिट से संबंधित है। डिजिटल कंप्यूटर में वे कंप्यूटर होते हैं जो सभी डाटा को डिजिट के रूप में, अर्थात 0 और 1 के रूप में कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर 0 और 1 को, अर्थात बाइनरी डिजिट को, सभी गणनाओं में, कैलकुलेशंस में
और ऑपरेशन करने के लिए काम में लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द मशीन दैट कैन वर्क एज बोथ अलोंग द डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स एक ऐसी मशीन होते हैं जो दोनों तरह से काम कर सकती हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स भी और एनालॉग कंप्यूटर। सच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेडिकल इन सर्जरी। ये कंप्यूटर्स आज की डेट में मेडिकल लाइन में और सर्जरी में यूज होते हैं। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर था, सेकंड पार्ट। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस चैप्टर को अपने आप से भी समझने का प्रयास करें, और इस चैप्टर को और जो भी हम पढ़ाते हैं उसको घर पर भी प्रैक्टिस किया करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन की चर्चा करेंगे। टिल देन, बाय, गुड बाय।